नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम अपने विज्ञान के 29वीं वीडियो में मिल रहे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, ठीक है। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम आरएच कारक के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेंगे। आरएच कारक के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था। आरएच कारक होता क्या है? आरएच कारक 417 एमिनो अम्ल का एक प्रोटीन होता है। क्या होता है? 417 एमिनो अम्ल का एक प्रोटीन होता है। इसकी जो खोज हुई है ना, वो मकाका रीसस नाम का एक बंदर है जिसमें इसकी खोज हुई है। मकाका रीसस नाम का जो बंदर होता है, इसके बारे में हम आने वाले पाठों में भी पढ़ने वाले हैं। मकाका रीसस जो बंदर होता है, उसमें रीसस जो होता है उसके कारण ही इसे रीसस कहा गया है और आरएच कारक इसे कहा गया है, ठीक है। ये जो कारक है, ये मानव की रक्त कणिकाओं में भी पाया जाता है। मानव में 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के कारक पाए जाते हैं? 5 प्रकार के आरएच कारक पाए जाते हैं। देखो, आरएचडी, आरएचई, एक तो कैपिटल ई है और एक स्मॉल ई है। आरएच कैपिटल ई और आरएच स्मॉल ई, आरएच कैपिटल सी और आरएच स्मॉल सी होता है। आरएच जो डी होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। आरएच जो डी होता है वो सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है और इसे रोहगम के रूप में, यानी रोहगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रोहगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। आरएचडी को रोहगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जब अपन किसी को रक्त देते हैं और किसी से रक्त लेते हैं तो डॉक्टर उस समय क्या करता है? ब्लड की जाँच करता है। लेकिन आज ब्लड की जांच के अलावा, रक्तदान के समय रक्त समूह के अलावा आरएच कारक की भी मिलान होना बड़ा जरूरी है। अगर आरएच कारक का मिलान नहीं हो पाएगा या आरएच नहीं मिलेगा तो बड़ी समस्या आ जाएगी। उस व्यक्ति का रुधिर लयन हो जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगा, उस व्यक्ति के जो मृत्यु भी हो सकती है उस व्यक्ति की, ठीक है। विश्व में 85% मानव आबादी जो होती हैं आरएच धनात्मक होती हैं और 15% जो होते हैं वो आरएच ऋणात्मक होते हैं। अब आप समझिए कि 85% लोगों के पास तो आरएच प्लस होता है और मात्र 15% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास आरएच माइनस कारक पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसको और अच्छा समझने के लिए मैं आपको और भी कुछ बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने अभी बोला कि आरएचडी, आरएचई, आरएच ई जो होता है स्मॉल भी है, ऐसी आर एच सी कैपिटल भी है और एक स्मॉल भी है, तो इस प्रकार से ये 5 हो जाते हैं। और आर एच डी जो होता है सबसे महत्वपूर्ण है और इसे रोगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। इस बात को आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से अच्छा है, ठीक है। अच्छा, हम इसके बारे में और बातें करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति में आर एच नेगेटिव वाले व्यक्ति में आरएच पॉजिटिव का रक्त चढ़ा दिया जाए तो होगा क्या? उस व्यक्ति का जो रुधिर है वो लयन हो जाएगा, उसका जो रक्त होता है उसमें विलरुबिन नामक हानिकारक पदार्थ की मात्रा जम जाती है। विलरुबिन क्या होता है? विलरुबिन आर्य यकृत से निकलने वाला एक अपशिष्ट होता है जो पीले रंग का एक पदार्थ होता है। इसे अगर मैं कहूँगा कि ये जहरीला पदार्थ है तो ठीक है, हमारे शरीर के लिए बिल्कुल जहरीला पदार्थ है। ये पीलिया रोग भी कर देता है। ये कौन सा रोग भी कर देता है? पीलिया रोग हमारे शरीर में उत्पन्न कर देता है। इसकी अधिकता से शरीर में पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है। विलरुबिन जो होता है इसकी अधिक मात्रा होने से हमारा जो यकृत तथा प्लीहा जो होता है वो क्या होता है? पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और पूरी तरह से खराब हो जाते हैं, जिसके कारण जब विलरुबिन और प्लीहा जब विलरुबिन को ठीक ढंग से नहीं, यानी उसका संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं या फिर उसका अधिक स्त्राव होने दे रहे हैं, जिससे हमारी किडनी भी क्या हो जाएगी? फेल हो जाएगी। और किडनी फेल की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। देखो, रुधिर लयन था इतना ही, इससे भी ज़्यादा भयानक बात तब आती है इसमें जब गर्भावस्था के दौरान यदि माँ का रक्त तो आरएच प्लस है और गर्भस्थ शिशु का जो रक्त होता है वो आरएच माइनस है। यानी माँ का रक्त तो किस में आता है? आरएच प्लस में, और शिशु का रक्त है माइनस में। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा कब हो सकता है? जब माता या पिता में से दोनों का ब्लड
एक का माइनस होगा तो उससे होने वाले शिशु का भी ब्लड ग्रुप माइनस में जा सकता है। तो RH माइनस है तो प्रसव के समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोनों का रक्त अगर मिल गया तो बड़ी समस्याएं आ जाएंगी, बड़ी जटिलताएं आ जाएंगी। तो उससे किस प्रकार से बचें हम? प्रथम प्रसव के समय, प्रथम प्रसव अगर हो रहा है तो उसके समय क्या होगा, RH प्लस RH नेगेटिव अगर मिल जाए तो RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। RH क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो वीडियो चल रही है, जो एक आपकी स्क्रीन पर जो चित्र चल रहा है चलेगा, उसको आप ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। इस चित्र में एक गर्भ रोगाणु कोरकता गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में बताया गया है। इस चित्र में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको गर्भ रक्ताणु कोरकता के बारे में समझ में आएगा। ये गर्भवती महिला है, इसके आप पेट में देख रहे हैं वाई आकार की संरचना है जो प्रतिरक्षी के रूप में दर्शाया गई है। अभी आपने जो चित्र देखा उसमें आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से जो हमने एक वाई आकार की उस समय प्रतिरक्षी की संरचना बनाई थी, वो माता के गर्भ में प्रतिरक्षी के रूप में मौजूद हो गया है और वो क्या करता है, प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा और प्रसव जो होगा वो सही तरीके से होगा। प्रसव कैसे होगा? सही तरीके से होगा। क्यों होगा? क्योंकि RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया है, इसकी वजह से। ये अपन ने पहले बनाया था, आपको ध्यान होगा उस दिन पहले ही। तो ये जब हमारे उस माता के शरीर में निर्माण हो जाएगा प्रथम प्रसव के समय, तो RH प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा और प्रथम प्रसव जो होगा वो कैसा होगा, सही होगा। परंतु यही जटिलता अगर सेकंड बार भी आ जाती है और रुधिर लयनता फिर उत्पन्न हो जाएगी और भ्रूण की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है। जिससे अगर भ्रूण बच भी गया तो क्या होगा, अगर भ्रूण बच भी गया तो उस बच्चे को हेपेटाइटिस या जीवन भर कमजोरी से वो ग्रसित हो जाएगा या अत्यंत कमजोर होगा। इसे गर्भ रोगाणु रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस रोग के उपचार हेतु प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर, लिखा हुआ है यहां पर, इसके उपचार हेतु क्या करेंगे, प्रथम प्रसव के समय 24 घंटे के अंदर अंदर IgG या RHD, देखो मैंने अभी बोला था RHD सबसे महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है आपसे, RHD का टीका लगाया जाता है, इसे रोगम प्रतिरक्षी भी कहा जाता है। अगर RHD का इंजेक्शन उसे लगा दिया गया है तो ये जो प्रतिरक्षी होता है ये माता के रक्त में मिश्रित होकर भ्रूण की RH धनात्मक रक्त कोशिकाओं का विनाश कर देता है। भ्रूण की RH धनात्मक जो कोशिकाएं होती हैं उनका विनाश कर देता है। विनाश होने से माता के शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाता है। कई बार इस रोग के उपचार के लिए शिशु का पूरा रक्त भी चेंज किया जाता है, पूरा रक्त बदलाव में लाया जाता है। इस कई बार रक्तदान के पश्चात होने वाली रुधिर लयनता मुख्य कारक बनती है RH असंगता का, यानी असंगता हो जाती है। कई बार जब असंग हो जाते हैं यानी दोनों का जब मेल नहीं होता है तो इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज RH कारक के बारे में बताया, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य भी हुआ होगा, इस प्रकार की भी हमारे शरीर में या इस प्रकार की भी घटनाएं हो सकती हैं। तो ध्यान रखें RH प्लस व RH माइनस का क्या लेना देना है। दोनों आपस में जब मिल जाते हैं तो रुधिर लयनता हो जाती है जिससे भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति में चढ़ा दिया गया है प्लस का रक्त माइनस में और माइनस का रक्त प्लस में चढ़ा दिया गया है तो उस व्यक्ति की किडनी फेल हो जाएगी, उसका जो ये लीवर है वो फेल हो जाएगा, जिसके कारण से बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने लग जाएगी और बिलिरुबिन की मात्रा के बढ़ने से उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको और ढंग से पढ़ें, आप ध्यान रखें। कई प्रश्न बनते हैं इस वीडियो में, आप अगर अपन ध्यान से देखेंगे तो कई प्रश्न बनते हैं, जैसे कि रोगम प्रतिरक्षी क्या है और गर्भ रक्ताणु कोरकता का इलाज क्या है, प्रथम प्रसव के समय 24 घंटे के अंदर IgG का या RHD का इंजेक्शन लगाया जाता है, उसके प्रथम प्रसव के समय ध्यान रखें आप, तो द्वितीय प्रसव के समय उतनी समस्या नहीं आती है। ठीक है, अच्छा और क्या इसमें प्रश्न बनता है, और प्रश्न बनता है RHD सबसे महत्वपूर्ण है, इसे ही रोगम प्रतिरक्षी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। 417 एमिनो अम्ल का बना है, मका का रीसस नाम के बंदर में इसको सर्वप्रथम देखा गया था।
ठीक है, आज आपके सामने मैंने प्रश्न रखा है कि गर्भ रोगाणुकोरकता को रक्ताणुकोरकता को विस्तार से समझाइए। आप इसको समझाना है आपको, अपनी कॉपी में ढंग से लिखकर दिखाना है मुझे और बताना है। ठीक है फ्रेंड, इसी प्रकार से आप जुड़े रहिए और खाली समय का उपयोग कीजिए, अध्ययन करते रहिए।